हेलो गाइस, मैं अंजलि कुशवाहा एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में हम एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। आज जो मैंने ड्रेस पहनी है, रेड ड्रेस पे जो पॉलका डॉट्स हैं क्रीम कलर के, तो मैं इसके साथ एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले मैं अपनी स्किन की प्रेपिंग कर रही थी। जो मैंने अभी सीरम यूज़ किया है, ये पिलग्रिम का एंटी एक्ने सीरम है, और ये सीरम जो है ये अप्रॉक्स मैं 15 डेज से यूज़ कर रही हूँ। ये जो सीरम है ये रियली काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और इसने मेरे एक्ने को काफ़ी कंट्रोल किया है। तो आप लोग भी चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ मेरा हेल्यूरिक एसिड का रिवाइटल लिफ्ट सीरम, जो कि हमारा लॉरियल का है। तो ये भी जो है वो काफ़ी अच्छा है और हमारे स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में अपने बता रखा है। तो देखिए, कोई भी मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले आपके स्किन की प्रेपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने स्किन पे कई सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं और वो आपके स्किन को थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हैं। हर चीज़ को अप्लाई करने से पहले अपने स्किन की प्रेपिंग करना काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने अंडर आईज सीरम यूज़ किया है, ये डर्माडॉक का है, और अप्रॉक्स 1 मंथ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिए अपने अंडर आई एरिया पे, अपने आई एरिया पे। काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है यार। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग कैसे मसाज कर सकते हैं, और यू कैन सी गाइस कि डार्क सर्कल्स भी काफ़ी रिमूव होते हैं इससे, और मेरे तो हो भी रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ माई लिप बाम। लिप बाम मैंने आप लोगों को पहले दिखा रखा है, बायोटिक का लिप बाम है ये। लिप वाइटनिंग का काम करता है और काफ़ी अच्छा है। इसमें बीट रूट है तो एक अच्छा सा शेड आता है। अगर आप नॉर्मली घर में भी बीट रूट का एक लिप बाम बनाएं तो आप देख सकते हैं कि वो कितना अच्छा कलर छोड़ता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो भी एक बार करके। देन नेक्स्ट वन इज़ माई डे क्रीम, और ये सैफ्रॉन डे क्रीम है गुड वाइब्स की, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके यार, मुझे तो काफ़ी अच्छे लगे। स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, और मेरे ना स्किन पे बहुत ज़्यादा स्कार्स थे एंड यू कैन से कि ब्लेमिशेस भी बहुत ज़्यादा रह गए थे, तो इसने काफ़ी रिमूव किया है। स्टिल आई एम हैविंग सम, बट धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने स्किन को अच्छे से प्रेप कर लिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को एक बार अपने पानी में डाल देती हूँ। देखिए, अब मेरा ब्यूटी ब्लेंडर अपना पानी सोक करेगा, तब तक मैं अपना फाउंडेशन आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा फाउंडेशन है लैक्मे 925 फ्लॉलेस फाउंडेशन, और ये 40 ml की क्वांटिटी में आता है। और इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करती हूँ तो इट वॉज़ अबाउट 450 आई थिंक, सो इतने का ही था जब मैंने इसको ख़रीदा था, और मेरे स्किन टोन के हिसाब से यही मुझे जाता है। तो आप लोगों को जो भी आपके स्किन टोन के हिसाब से लगे आप लोग वो ले सकते हैं। इसका शेड नंबर 2 है और ये काफ़ी अच्छा है, और स्किन पे बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है, क्योंकि आप जब एक बार प्रेपिंग कर लेते हैं तो कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है अपने स्किन पे फाउंडेशन को ब्लेंड करने में। अगर आप ऐसे नॉर्मली आप कभी करके देखिएगा, अगर आप ड्राई स्किन पे फाउंडेशन लगा के उसको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप अपने स्किन की प्रेपिंग पहले ही कर लें अच्छे से। ये मेरा कंसीलर है, एन वाई वे का कंसीलर यूज़ करती हूँ मैं बहुत दिनों से। तो आप लोग अपने शेड के हिसाब से इसको ख़रीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। मेरे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड एरियाज़ को ये कवर कर लेता है। तो कंसीलर इज़ लाइक कंसील समथिंग ना, कि आपके स्किन पे जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, मीन टू से आपके अंडर आई एरिया पे जो डार्क सर्कल है, या फिर आपके फेस पे जहाँ पे पिगमेंटेशन है, तो आप उसको कंसील करते हैं, मीन टू से उसको छुपाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंसीलर। अब मैं यहाँ पे अपने ब्यूटी ब्लेंडर से जितना भी पानी था मैंने उसको निकाल लिया है, एंड देख आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये पफी हो चुका है। तो अब मैं अपने फेस पे जो भी मैंने फाउंडेशन लगाया है मैं इसी के साथ इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर से यार बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है स्किन पे फाउंडेशन,
अगर आप फिंगर से करना चाहें तो भी हो जाता है, लेकिन यार यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या होता है कि अगर आप फाउंडेशन से फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फाउंडेशन होता है ये आपके उसको सोक कर लेता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं, और अच्छे से देख के ब्लेंड कीजिए। ज़्यादा इसको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आपके स्किन पे केक ही लगे, कहीं पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फाउंडेशन ज़्यादा आपका छूट जाए। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ब्लेंड करने में, एंड अपने नेक के लिए आप पे ब्लेंड करना तो कभी भी ना भूले। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने जो भी था मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है हमारे फाउंडेशन को फिक्स करने की, एंड उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ कॉम्पैक्ट, शुगर कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इसको ख़रीदे हुए आई थिंक 6 मंथ हो गए होंगे और काफ़ी ये मस्कारा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मेबलिन का मस्कारा है ये। अच्छा
कोई नहीं यार, मैं इतना कर नहीं सकती, मैंने कोई नहीं सोचा कि मैं इस पे यस नाउ इट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अपना मेकअप फिक्सर, ये मैटे फिनिश सेटिंग स्प्रे है एन बाई बे का, अभी रिसेंटली मैंने मंगाया है। तो सबसे पहले तो यार अपने आई एरिया को हमें छुपाना रहता है एंड देन इसको अप्लाई करें। आपके जो मेकअप है उसको ड्यू लुक देता है ये, और काफ़ी अच्छा कर देता है मेकअप, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।